मॉडल 7 से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट शुड बी परसेंटेज डिक्रीज्ड इन द कंजप्शन ऑफ शुगर बाय अ फैमिली सच दैट देयर एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन्स द सेम। शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो एक फैमिली कितना कम कंजप्शन करे शुगर का कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहे। ठीक है, हमें पता है कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास शुगर का प्राइस है 30 रुपीज़ और क्वांटिटी है 5 kg, तो एक्सपेंडिचर होगा 150 रुपीज़। अब अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू सेम है, क्योंकि हम रिवेन्यू को भी कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी से। रिवेन्यू हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। तो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर में फ़र्क ये है कि रिवेन्यू शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है और एक्सपेंडिचर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। प्राइस चेंज बाय 8% क्वेश्चन में और क्वांटिटी चेंज बाय 20%, तो एक्सपेंडिचर होगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब क्वेश्चन में शुगर का प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 8% हमारे पास 20% है और हमें कंजप्शन ऑफ शुगर बतानी है, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी बतानी है, यानी कि हमें यहाँ पर 20% बताना है कि कितना होगा ताकि एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन सेम, और जो कि शुगर पर एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। अगर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो यानी कि न्यू एक्सपेंडिचर और ओल्ड एक्सपेंडिचर इक्वल होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम इसको 0% ले लेते हैं, 0%, क्योंकि इस पर कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये हुआ 0%, इक्वल टू हुआ 0% के। अभी हमारे को दिया हुआ 20%, b हमने कैलकुलेट करना है और ए बी ए है यहाँ पे 20, b डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 20 कैंसिल होगा 1/5, तो ये 6b/5 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा, तो 6b/5 20 उधर जाएगा, ये तो -20 और b आएगा यहाँ पे -20 × 5/6, तो ये हुआ 16.67%, माइनस के 16.67%, यानी कि जो शुगर की कंजप्शन है वो 16.67% से डिक्रीज हो रही है। तो पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में ये फ़र्क है कि हमें रिवेन्यू या एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना था और हमें 8% और 20% दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 20% फाइंड आउट करना है, हमें एक्सपेंडिचर और 8% दिया हुआ है। तो आप सिंपली इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो।